नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चेस टैक्टिक्स इन 5 मिनट में। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक गेम शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप देखेंगे कि हमें कैसलिंग करने का टाइमिंग सही चुनना है। अगर हम कैसलिंग गलत टाइम पर करते हैं तो उससे हम गेम लॉस्ट में जा सकते हैं। हर कोई शॉर्ट कैसलिंग करना पसंद करता है, पर अगर हमारी पोजीशन गलत हो तो हम शॉर्ट कैसलिंग के बजाय लॉन्ग कैसलिंग को भी जा सकते हैं। तो चलो हम अभी एक एग्जांपल के लिए गेम देखते हैं। वाइट ने ओपनिंग की है e3 से। e3 को वाइट ने रिप्लाई, ब्लैक ने रिप्लाई दिया है e5 से। उसके तुरंत बाद वाइट ने रिप्लाई दिया है nf3 से। वाइट के nf3 को रिप्लाई दिया है ब्लैक ने e4 खेल के। इस नाइट पर अटैक किया हुआ है। उसके बाद वाइट ने नाइट को डिफेंड किया है और नाइट को मूव किया है ng5 पे। देखो दोस्तों, नाइट ने नाइट को ng5 पर मूव करके वाइट ने मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ पर ब्लैक ने क्वीन से नाइट को कैप्चर कर लिया है। क्वीन कैप्चर ng5। यहाँ पर वाइट का एक पीस लॉस हो गया है। उसके बाद वाइट ने रिप्लाई दिया है nc3 से। उसने अपना दूसरा नाइट डेवलप कर लिया है। देखो दोस्तों, यहाँ पर फिर आगे ब्लैक ने रिप्लाई दिया है क्वीन f6 से। उसने क्वीन को पीछे ले लिया है। उसके बाद वाइट ने रिप्लाई दिया है n कैप्चर e4 से। उन्होंने नाइट से e4 को कैप्चर करके इस क्वीन पर अटैक किया है। तो वाइट ने नाइट से e4 पर अटैक किया है। तो ब्लैक ने अपने क्वीन को जगह से मूव कर दिया है और क्वीन को लाया है f5 पर। इस नाइट पर अटैक कर दिया है। तो वाइट ने बिशप को d3 पर लाकर इस नाइट को सपोर्ट दिया है। देखते हैं दोस्तों आगे अभी ब्लैक ने क्या मूव की है। जिस टाइम बिशप d3 पर आया तो यहाँ पर डिस्कवरेबल अटैक आ सकता है। नाइट d6 पर जाकर चेक होकर क्वीन कैप्चर हो सकती है। इसलिए ब्लैक ने अपने क्वीन को जगह से फिर से मूव कर दिया है और उसे लेकर आया है क्वीन e5 पर। यहाँ पर जैसे ही क्वीन e5 पर आई तो वाइट ने यहाँ पर डिसीजन ले लिया है, वो है शॉर्ट कैसलिंग का। वाइट ने शॉर्ट कैसलिंग कर ली। जैसे ही वाइट ने शॉर्ट कैसलिंग कर ली तो ब्लैक ने अपना बिशप डेवलप किया है d6 पर। d6 पर नाइट बिशप डेवलप हो जाने के बाद वाइट ने क्वीन की पोजीशन ना देखते हुए और एक रॉन्ग मूव कर दी है। फर्स्ट उसने रॉन्ग मूव की, जहाँ पर क्वीन का अटैक है वहीं पर शॉर्ट कैसलिंग कर ली है। जहाँ पर उसके पॉन को, कैसलिंग पॉन को ना कोई डबल सपोर्ट है। उसके बाद वाइट ने और एक मिस्टेक करते हुए c3 मूव कर दिया है। c3 मूव हो जाने के बाद ब्लैक के क्वीन ने क्वीन कैप्चर h2 करके चेकमेट कर लिया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर वाइट ने जो गलत डिसीजन लिया शॉर्ट कैसलिंग करने का, जहाँ पर क्वीन का अटैक था और जिस साइड की कैसलिंग में उसका कोई डबल सपोर्ट नहीं था, ना ही तो पूरी तरह से उसके सब पीसेस डेवलप थे, उसके वजह से उनका गेम लॉस्ट हो गया। तो दोस्तों इससे हमें ये समझना चाहिए कि हमें कैसलिंग कब करनी है, या तो वो शॉर्ट कैसलिंग करनी है या लॉन्ग कैसलिंग करनी है। इसका डिसीजन लेते समय जहाँ पर कम अटैक हो वहीं पर हमें कैसलिंग करनी है, और या तो अपोनेंट ने जिस साइड में कैसलिंग की है उसके अपोजिट में हमें कैसलिंग कर लेनी चाहिए, ताकि हम पॉन और अपने पीसेस से उनके कैसलिंग पर अटैक कर सकते हैं और दूसरी साइड पे हमारी कैसलिंग सेव रह सकती है और अपना गेम बचा रह सकता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।